फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन एंड रशियन, कोरियन, समझ रहे हो? नहीं। तो गाइस देख सकते हैं, ये है प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 और आप सामने देखेंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड आज संडे भी है, दैट्स वाई ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही होगी आपको। एंड ये है गेट नंबर 4 जहाँ से एंट्री हो रही है, देख सकते हैं सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए एंड टिकट आपको पेटीएम से लेनी है ऑनलाइन। तो चलिए पेटीएम से पहले हम भी लेते हैं एक टिकट। तो यहाँ पर मोबाइल ओपन किया एंड यहाँ से जस्ट बुक द टिकट, फिल द डिटेल एंड आपको 20 रुपये देने हैं एंड अगर से बच्चे लोग के लिए यहाँ पर फ्री है बट अगर से आप एडल्ट हैं तो आपको पे करना होगा 20 रुपीज़ बाई द पेटीएम। सो यहाँ से जस्ट प्रोसीड एंड पेड सक्सेसफुली एंड जस्ट अब लेते हैं यहाँ से एंट्री। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी प्रगति मैदान में और आया हुआ हूँ विश्व पुस्तक मेला जो वर्ल्ड बुक फेयर लगी हुई है प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 पर। तो मैं वहाँ हूँ एंड ये देख सकते हैं यहाँ से मेन एंट्री होने वाली है, तो वहाँ से मैंने एंट्री ली है एंड उसके लिए देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है। तो वो टिकट आप लेंगे तभी आप एंट्री कर सकते हैं, टिकट इसकी 20 रुपया है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। तो आप देख सकते हैं सीन, अभी मैं हूँ प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 के पास, अभी जस्ट एंट्री ली है एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर जितने भी आप बुक्स की जो लगी हुई है कलेक्शन सारी। तो लेट्स गो। देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैप पर, यहाँ पर मैप ऑफ हॉल नंबर 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कहाँ पर आपको क्या चीज़ें हैं सारे यहाँ पर मेंशन है एंड यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सभी का नाम हॉल नंबर 5 के लिए है। सो आप यहाँ देख सकते हैं एंड हॉल नंबर 5 का एंट्री आप देख सकते हैं जस्ट सामने एंड बाहर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सो अब चलते हैं हम हॉल नंबर 5 में। सो आपको हॉल नंबर 5 में चलकर दिखाता हूँ क्या क्या। सो गाइस, ये है 5 नंबर गेट का एंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से एंड आप यहाँ देख सकते हैं पीछे ढेर सारी बुक्स की और स्टोर लगी हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर IS विजन और बहुत सारी बुक्स होगी किस्म की यहाँ पर बुक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ। सो यहाँ देख सकते हैं ये है फ्रेम फ़ोटो का एंड आप चाहते तो मोदी जी के साथ यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं, उनकी फ्रेम है एंड यहाँ देखेंगे तो ये है विजन IAS का स्टॉल लगा हुआ, सारी बुक्स मिल जाएगी विजन IAS की और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बुक्स हैं सब पर भारी डिस्काउंट है, तो ये अच्छी मौका है अगर से आप परचेज करना चाहते हैं किसी बुक को तो। एंड यह देखेंगे ये है कॉन्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट पेज, कुछ इस तरह से मॉडल आपको दिखाया गया है, ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी की तरफ से है, ये है भीमराव अम्बेडकर जी एंड आप देखेंगे तो बहुत सारी इधर मॉडल दिया गया है जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर रहे हैं उनके कमेटी के, तो उनके बारे में ब्रीफ में हिस्ट्री बताई गई है आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एंड इस तरह से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर ये है ड्राफ्टिंग कमेटी की, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनकी जितनी मेम्बर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह से ये हिस्ट्रिकल को जो भी रहे हैं उनके नाम है एंड यहाँ से हॉल नंबर 2, 3, 4 के लिए एंट्री है। तो ये मैंने एंट्री लिया है, ये देख सकते हैं जस्ट आ गया हूँ अंदर एंड आप भीड़ देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ एंड ये देख सकते हैं भारत एक यात्रा, तो आपको 1857 से लेकर 1947 तक की सारी जर्नी बताई गई है, किस तरह से कौन नेता थे, क्या उन्होंने अपने योगदान दिया है, तो उनकी सारी ब्रीफ में यहाँ डिटेल मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, सबके बारे में बताया गया है आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर और लोग यहाँ पर फोटो वगैरह ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं।
गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी फेयर के लंबी सी खड़ा हूँ एंड यहाँ देख सकते हैं यहाँ पीछे देखेंगे आप तो जो इंडियन फ्रीडम के जो है जीवनी उनकी एक शॉट बताई गई आप देख सकते हैं एंड आप पीछे देखेंगे तो ये थोड़ी छोटी सी स्टेज है यहाँ पर जितने भी उनके राइटर होते हैं यहाँ पर आकर जितना स्पीच वगैरह होती है यहाँ पर पीछे देख सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं गाइस यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है एंड जो भी ऑथर्स हैं उससे उनकी स्टोरी और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर तो लोग बैठे हुए हैं एंड अगर साहब का भी क्वेश्चन है तो आप भी आ सकते हैं एंड बुक के जितने भी ऑथर्स हैं उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बेशक से वो दिल्ली पुलिस में रहे हैं पर आई थिंक वो बहुत कुछ आपको कविताओं के बारे में बताएंगे श्री राजीव रंजन एक्स एडिशनल कमिश्नर दिल्ली पुलिस यहाँ पर फ्रेंच जर्मन स्पेनिश इटालियन एंड रशियन कोरियन कंट्री का यहाँ पर बुक्स को हर तरह की हर कंट्री के यहाँ पर अवेलेबल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरनेशनल बुक्स फेयर का यहाँ पर हर कंट्री के यहाँ पर ये है मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स का एंड मैंने यहाँ पर लिया ये देख सकते हैं सामने देखेंगे तो कुछ इस तरह से मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स यहाँ पर मिल सकती है आप तो इनकी जो टेक्स्ट बुक है आप यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का वहाँ पर सकते हैं कुछ इस तरह से मैं ले सकता हूँ यहाँ पर सो ये देखेंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का कलेक्शन यहाँ पर है सो जस्ट आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से कुरान शरीफ वगैरह का भी यहाँ पर कलेक्शन देखेंगे आप सामने यहाँ पर भी सो ये अरबिक का है किंगडम ऑफ अरबिया का ये कलेक्शन ये है दृष्टि द विज़न का लगा हुआ है पर यहाँ विकास विकृति सर का आप देख सकते हैं वीडियो चल रही है एंड यहाँ पर दृष्टि का ये स्टॉल लगा हुआ है तो यहाँ पर राजस्थान PCS सीरीज़ बिहार PCS सीरीज़ उत्तर प्रदेश PCS सीरीज़ एंड NCERT सीरीज़ मेंस कैप्सूल सीरीज़ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ क्विक बुक सीरीज़ सो सारा यहाँ पर बुक्स की लिस्ट है आप देख सकते हैं और दृष्टि आई की इस बुक फेयर में आपको 50% ऑफ है सारे बुक्स पर आप वहाँ पर देख सकते हैं जितना भी बुक्स है उस पर मिल जाएगी 50% डिस्काउंट सो यहाँ पर दृष्टि IAS का स्टोर लगा तो आते हैं यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा तो आप देखते हैं जनरल हिंदी एन एस UPPCS UPSC सिविल एग्जामिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर है ओसवाल बुक्स लर्निंग मैड सिंपल सो ओसवाल बुक्स से बहुत सारी बुक आती हैं आप देखे भी होंगे तो उसकी यहाँ पर स्टोर लगी हुई है एंड यहाँ पर भारी डिस्काउंट है सभी बुक्स पर तो आप यहाँ से अगर से परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से ये CVET LMP क्लास 12 के लिए UPSC सारे यहाँ पर स्टॉल पर कैटेगरीज वाइज बुक रखी हुई है आप जिस भी चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं सारा ओलंपियाड का वन फॉर ऑल ओलंपियाड मैथमेटिक्स क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1 सब का यहाँ पर क्लास वाइज रखी हुई है एंड UPSC की वहाँ पर अलग अलग स्टॉल है तो सबका वहाँ पर अलग अलग स्टॉल भी लगा हुआ है आप जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर ICSE और ISSE कैटेगरी लिखी हुई है एंड यहाँ पर बुक इशू करवाने के बाद इस तरह से यहाँ पर आप ले सकते हैं सो ये थी ओसवाल बुक्स की कलेक्शन यहाँ पर लगी हुई ये जस्ट देख सकते हैं दृष्टि के सामने ही ओसवाल बुक्स एंड देखेंगे तो स्कॉलर्स हब्स की यहाँ पर लगी हुई है ये किड्स के लिए और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है रॉयल ब्रदर्स प्रकाशन का ये कुछ कलेक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ से एंड आप आएंगे इधर तो ये है ड्रीमलैंड ये भी किड्स का है तो किड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा यहाँ पर
स्टेशनरी बुक्स हैं, तो किड के लिए बहुत ही शानदार जगह है, आप यहाँ पर ला सकते हैं अपने बच्चों को। फिर यहाँ पर डिग्री बुक्स हैं सारी, जितना भी डिग्री बुक्स होती हैं एग्ज़ाम्स कार्ड की, यहाँ पर एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की, तो आपको मैं यहाँ भी दिखाता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं एग्ज़ाम कार्ड की जितने भी बुक्स आती हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और अभी ख़रीदते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है। तो यहाँ देख सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन सबके यहाँ पर, जीडी सबके यहाँ पर अवेलेबल है, यूपी एग्ज़ाम्स, टीचिंग्स, डिफेंस, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम यहाँ पर कुरान शरीफ भी दस्तियाब है, फिर शाइल वमाशाइल, तफ़ीमुल कुरान, फिर आप देखेंगे तज़किया नफ्स, आदाब ज़िंदगी, फिर शफीना निजात। तो यहाँ पर इस तरह की बुक्स है उर्दू में दस्तियाब। फिर इधर भी है उर्दू अकाडमी दिल्ली की तरफ से ये। फिर इस्लाम धर्म, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, नारी और इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम से रिलेटेड, द बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशन की ओर के यहाँ पर बुक है इस्लामियात से रिलेटेड। अभी देख सकते हैं कुछ मैंने बुक्स खरीदी हैं, इसमें रखी हुई है, एंड सामने देख सकते हैं ये यहाँ पर मकतबायतुल मदीना इंडिया वर्ल्ड बुक फेयर की, यहाँ पर उर्दू की बहुत ही बड़ी आप शॉप देख सकते हैं, सारे नुमाए लोग बैठे हुए हैं, कुरान शरीफ से लेकर सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 60% ऑफ ही देख सकते हैं, ये उर्दू की सारी बुक्स हैं यहाँ पर से, यहाँ पर जितनी भी स्टॉल थी लगातार उर्दू की देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी उर्दू की बुक्स यहाँ पर दस्तियाब हैं। ओशो तपोवन, तो यहाँ पर ओशो पब्लिकेशन की जितनी बुक्स आती हैं एंड ओशो के जितने भी बुक्स हैं आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, सारा यहाँ पर है। फिर यहाँ पर सस्ता साहित्य मंडल की ओर से यहाँ पर सारी बुक्स हैं साहित्य की, वो देख सकते हैं यहाँ पर भी सारा तकसीला और बाल साहित्य एवं कला केंद्र की ओर से ये बुक्स यहाँ पर कलेक्शन है। फिर यहाँ पर यश पब्लिकेशन, अब आपके लिए चलता हूँ मैं प्रभात प्रकाशन की तरफ से, ये देख सकते हैं बुक्स की कलेक्शन यहाँ पर, जितने भी बुक्स हैं तो इधर यहाँ पर बहुत सारी बुक्स दस्तयाब है, आप जिसे भी परचेस करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं आप परचेस कर सकते हैं। सो ये हॉल नंबर 2 है, यहाँ से एंट्री एंड एग्जिट, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे, ये एस्केलेटर लगा हुआ है। सो यहाँ फर्स्ट पर देखेंगे तो फूड कोर्ट एंड एग्जीबिशन हॉल एंड रेस्ट रूम, स्टेयर केस, ड्रिंकिंग वाटर, सारा आपको यहाँ बताया गया है, तो आप अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं फूड कोर्ट के लिए। गाइस आपने देखा अंदर का क्या सीन था, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर लल्लन टॉप का किताब वाला जो शोभा थी उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर पीछे सौरभ दी हुई है पोस्टल में। तो ये मैं आपको अंदर के जितने भी सीन थी मैंने दिखाया, किस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों, अगर से आप जाएंगे एंड हर मीडियम में हर लैंग्वेज में मिल जाएगी आपको, तो आप यहाँ आएँ, आने के बाद देखेंगे तो आप ज़रूर कोई ना कोई बुक पसंद आएगी, आपको परचेस भी कर लेंगे। तो ये था अंदर का, अब मैं चलता हूँ बाहर और बाहर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने जो एंट्री ली थी वो ली थी गेट नंबर हॉल नंबर 5 से, तो हॉल नंबर 5 वहाँ से है एंड आप यहाँ से एंट्री लेंगे, जो मेन एंट्री है और गेट हॉल नंबर 5 से ही है। सो हॉल नंबर 5 यहाँ है और आप जैसे ही एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी शुरू से ही स्टॉल, एंड फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे डायरेक्ट। एंट्री करने के बाद आप जैसे अपने पीछे यहाँ पर हॉल नंबर 2, 3 और 4 का दिया गया, तो एंट्री करेंगे आप तो और भी 2, 3 एंड 4 हॉल मिल जाएगी, वहाँ आप घूम सकते हैं।
तो अब मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ गाइस, एंड मैं आप बाहर भी प्रोग्राम हो रही है तो बाहर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रोग्राम क्या क्या हो रही है बाहर। चलिए एग्जिट लेते हैं यहाँ से। तो गाइस सामने कुछ प्रोग्राम हो रही है, बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, मैं वहाँ पर आपको पूछ कर दिखाता हूँ क्या प्रोग्राम हो रहा है। शायद नाटक वगैरह हो रही है वहाँ पर, तो आप फिर तो दिखाता हूँ मैं, जस्ट आप वेट करें। सो गाइज हम आ गए हैं ऊपर में, एंड आप देख सकते हैं पीछे प्रोग्राम भी चल रही है इस तरह से, और भीड़ देख सकते हैं गाइज कितनी भीड़ है। सो भीड़ का देख आप देख सकते हैं तादाद कितनी है, लोग कितने यहाँ बैठे हुए हैं एंड यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज ये थी प्रगति मैदान में लगी विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ दिखाई है आई होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्लेस पर ये बुक का स्टॉल बुक की जो फेयर है लगी हुई है, आप एक दिन में चाह कर भी ना घूम पाएंगे। अगर से आप बुक पढ़ने के शौकीन है तो अगर से आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर ही बुक परचेज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पर, और हर पब्लिकेशन की ही आपकी जो भी फेवरेट राइटर्स उनकी बुक मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ी ये पुस्तक मेला है, एंड उसी के सामने जस्ट यहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव चल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो मैंने यहाँ पर कुछ देर तक ये प्रोग्राम देखी है एंड वीडियो क्लिप भी ऐड किया है, तो आई होप कि आपको पसंद ही आया होगा। एंड बस अभी शाम होने वाली है तो मैं निकलने वाला हूँ अपने हॉस्टल की ओर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर देखेंगे तो एग्जिट ले रहे हैं लोग वहाँ से, वहाँ देखेंगे इस गेट से अभी हो रही है एग्जिट, तो मैं उस गेट से जाकर एग्जिट लूँगा और चल जाऊँगा अपने। ये रहा प्रगति मैदान में जो लगी थी वर्ल्ड बुक फेयर की ब्लॉग, तो आई होप कि आपको पसंद हुई आई होगी, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले। तो ये देख सकते हैं मैंने कुछ परचेज किया है यहाँ से।